नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रेखा ठाकुर है। मैं डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर न्यू शिमला हिमाचल प्रदेश में चलाती हूँ। मैं एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। आज वर्ल्ड होम्योपैथिक दिवस मनाया जा रहा है, जी हाँ, जिसको हम विश्व होम्योपैथिक दिवस भी कहते हैं। जो विश्व होम्योपैथिक दिवस है, ये क्यों मनाया जा रहा है? ये इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि जो होम्योपैथी के फादर थे, फाउंडर थे, जनक थे, डॉक्टर सैमुअल हैनेमन, उनका जन्म दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। उनका जन्म 10 अप्रैल 1775 को हुआ था। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि डॉक्टर हैनेमन थे, वो फादर थे होम्योपैथी के। उन्होंने होम्योपैथी का आविष्कार किया। भले ही जो होम्योपैथी है वो जर्मन से, विदेशों से स्टार्ट हुई है, जर्मन से स्टार्ट होके आज पूरे विश्व में होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल रहा है। होम्योपैथी एक साइंस है, एक अल्टरनेटिव साइंस है, जैसे कि एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, नेचुरोपैथी है, उसी तरह होम्योपैथी भी एक जो है साइंस है। होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में डॉक्टर सैमुअल हैनेमन में, जो पहले वो एक MBBS डॉक्टर थे, उसके बाद उन्होंने होम्योपैथी में स्टडी की और उन्होंने बहुत सारी बुक्स निकाली। और जो एक 1796 में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा और लॉ ऑफ सिमिलर दिया, जिसके बाद जो है होम्योपैथी का बर्थ हुआ। उस बेस पे ही हमने जो होम्योपैथी है लॉ ऑफ सिमिलर पे स्टार्ट की है। और होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिमस कुरेंटर, मींस लाइक योर लाइक। उसमें जो है होम्यो मीन्स सिमिलर एंड पैथी मीन्स सफरिंग। अगर होम्योपैथी की बात करें मतलब कि सिमिलर सफरिंग, जैसे कि अगर कोई भी बीमारी है, अगर कोई मेडिसन है, माना एक चाइना ऑफिसिनेलिस है, जो कि मलेरिया के लिए डॉक्टर हैनेमन ने जो मेडिसिन को निकाला था, रिसर्च की थी, अगर वो मलेरिया की बीमारी को, मलेरिया को ठीक कर सकती है, तो उस मेडिसिन में इतनी पावर होती है कि अगर उसको लो पोटेंसी में पेशेंट को कंटिन्यू दिया जाए, तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को कंटिन्यू दिया जाए, तो उसमें मलेरिया के सिम्टम भी वो मेडिसिन उत्पन्न कर सकती है। कहने का अभिप्राय ये है कि होम्योपैथी में सिमिलर जो है जो सिम्टम लिए जाते हैं और उस लक्षण के आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। और एक बात और कहना चाहूँगी, जो होम्योपैथी है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स पे उनकी प्रूविंग हुई है, क्योंकि डॉक्टर हैनेमन का कहना था कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग ही हमें जो है अपने जो ट्रू पिक्चर दे सकता है हमारे सिम्टम्स की, क्योंकि वो एनिमल्स पे, लाइक एलोपैथी की तरह, वो एनिमल पे उसका जो है क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता है, और मेडिसिन को पोटेंटाइज किया जाता है और फिर उसको अलग अलग फॉर्म में मेडिसिन को दिया जाता है। किसी को लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है स्मेल करने के लिए, इन केस ऑफ जैसे पॉलिप्स है, किसी को खाने के लिए फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में। और होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में बहुत सारी बीमारियां हैं जटिल से जटिल, जिसका कि एलोपैथी या अदरपैथी में भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे कि आप ए प्लास्टिक अनीमिया है, उसमें बोन मैरो में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी रिसर्चेस हुई हैं जो ए प्लास्टिक अनीमिया पे भी होम्योपैथी ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर हम बात करें क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एलर्जी का प्रॉब्लम, आपने देखा होगा 80% लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम बढ़ गया, चाहे वो स्किन एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, बच्चों का इम्यून सिस्टम है, बड़ों का इम्यून सिस्टम के लिए होम्योपैथी बहुत ही बड़ा रोल रहा है। स्किन में कोई भी सोरियसिस है जिसका कि एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है। फैटी लीवर है, स्टोन है, और इवन मानसिक रोगों में, डिप्रेशन की बात करें तो होम्योपैथी में मेंटल बेस पे जो है उसका पूरा सिम्टम लिए जाते हैं, और उसमें जो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती हैं। स्वाइन फ्लू में बहुत अच्छा काम होम्योपैथी ने किया है। न्यूरोपैथी है, मस्कुलर अपना वीकनेस है, उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। और जो अगर हम बात करें तो अभी पैंडेमिक डिजीज़ की, COVID-19 की बात करें, तो होम्योपैथी ने पूरे विश्व में इसमें बहुत ही अच्छा रोल निभाया है, क्योंकि जो होम्योपैथी है एज ए इम्यूनिटी बूस्टर्स, जो आयुष मंत्रालय ने भी आर्सेनिक एल्बम 30 जनहित में जारी की थी, वो हिमाचल की बात की करें तो हमने भी डिस्ट्रीब्यूट किया है फ्रंटलाइन वॉरियर्स को, बाकी देशों विदेशों में, अदर स्टेट्स में भी ये आर्सेनिक एल्बम बहुत ही यूज़ हुई है। और जब स्कारलेट फीवर ये फैला था, तो भी होम्योपैथी ने होम्योपैथी की मेडिसिन से ही इस डिजीज़ को, स्कारलेट फीवर को कंट्रोल में लाया गया था। तो एज ए प्रिवेंटिव कोविड की और एज ए इम्यूनिटी बूस्टर कोविड के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 जो रिकमेंड किया था आयुष मंत्रालय ने, तो उसका
इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। अगर हम और बात करते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट में कुछ मिथ्स हैं कि लोग कहते हैं कि बहुत स्लो काम करती है, ऐसा नहीं है। अगर क्रोनिक केस है, दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पेशेंट आता है हमारे पास क्रोनिक केस का, बहुत लेट आता है जब उसको कहीं से आराम नहीं मिलता है। तो जब पेशेंट आता है तो उसको हम फिर उसका केस लेते हैं, फिर उसको दवाइयाँ है लो पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं ताकि कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस ना हो। और लेकिन अक्यूट केसेस में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा एकदम काम करती है। तो लोग कहते हैं कि होम्योपैथी है जो दूसरी मेडिसन्स के साथ नहीं ले सकते। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम एकदम उसकी मेडिसन नहीं छुड़वाते, हम कहते हैं अगर आप कोई मेडिसन ले रहे हो तो उसके साथ आप मेडिसन स्टार्ट करो और धीरे 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 उसके डोजेस को कम किया जाता है। वो भी जो उनका अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनके डॉक्टर के अनुसार वो अपनी रिपोर्ट दिखाएगा कि मेरी ये रिपोर्ट जो मेरा शुगर लेवल है वो कम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी डोज कम करवाई जाती है। बाकी अगर मैं ये बात कहूँ कि आज विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जा रहा है, अगर मैं अपने क्लिनिक की बात करूँ तो आज मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी फ्री दूंगी। अगर मेरे पास आज कोई बीपीएल या आईआरडीपी पेशेंट या फ्रंटलाइन वॉरियर्स आते हैं तो मैं उनको फ्री इम्यूनिटी बूस्टर डॉक्टर हैनीमन के जो जन्म दिवस पे है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दूंगी। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं यही कहूँगी कि होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू WHO सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम है ये जो पूरे विश्व में, ये इसको हर घर में गांव-गांव में इसका सेवन किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसको आगे प्रमोट करना चाहिए क्योंकि होम्योपैथी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसको हर एज ग्रुप के लिए सेफ है। तो ये टोटली सेफ है और आप सभी को मैं फिर से कहूँगी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।